फ्रेंड्स, आज मेरा मनाली में दूसरा दिन है और हम लोग रेडी हो गए हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बाहर जाएंगे। आज का मैं व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। वहाँ पर मॉर्निंग सूट करो उनके बाद में So, ये रहा हम लोगों का ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा, उपमा, सैंडविच, चाय और दही। और दी लोग भी खा रही हैं, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, थोड़ी लेट आई थी इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी नाश्ता। हो रहा मेरा भी नाश्ता और पीछे का व्यू काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी धूप आ रहा है, ठंड भी है तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, ज़्यादा नहीं, मतलब स्टार्टिंग है कोल्ड का तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग कार में सभी लोग आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल। फाइनली अब हम लोग वशिष्ठ टेम्पल के इधर पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी पहले ही कार को पार्क कर लेते हैं, अंदर आने नहीं देते। कौन दिलाया आपको? मम्मी पापा ने दिलाया। नाम क्या मिलेगा? चलो थोड़ा सामने सामने देखो नाम क्या है डॉल का? तो ये रहा मंदिर जहाँ पे हम लोग आना चाहते थे, पहुँच चुके हैं। ये मंदिर के बाहर का गेट है। यहाँ के नंबर लेडीज फॉर जहाँ पे लिखा है वहाँ से एंट्री होती है। महिलाओं को इसकी छोटी सी है के लिए बहुत ही बड़ा टाइप में था। और यहाँ पे एक खास बात है कि यहाँ पे गर्म पानी आता है।
फोटो नहीं मैंने करे उससे कहीं ज्यादा मैंने देखा हो हमने भी तो हम जा रहे हैं हड़प्पा टेंपल और मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ तो देख लेना ये भी तो अब हम जाने वाले हैं मनाली के वन विहार। वन विहार काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे मंदिर भी है तो मंदिर के भी दर्शन कराएंगे आपको। बट हर मंदिर में वीडियो फोटोज़ अलाउ नहीं होते तो हम बाहर गेट तक दिखा सकते हैं। ये देखिए रैबिट कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आपको फ़ोटो शूट कराने के लिए रैबिट दिया जाता है 20 रुपीज़ में, तो सब लेकर फ़ोटो क्लिक कराते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आप आइए यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहिए, एंजॉय करिए, आपको टाइम का पता नहीं चलेगा बहुत लंबा। अभी तो हम सिर्फ बाहर का दिखा रहे हैं क्योंकि जैसे हम लोगों ने एंट्री किया बस वहीं उसी जगह को दिखा रही हूँ। आगे और है यहाँ पे मूवी की शूटिंग भी हुई है, ये शूटिंग पॉइंट भी है। ये देखिए आशी को कैसे रैबिट्स के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही है। ये रहा पीछे टेंपल, ये ऐसी रैबिट्स के लिए कितने रो रहे हैं। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, यार तुम ही दिखो रहे हो ना गाइस। हेलो कर दो, ये देखो आशी, ए उधर देखो, वो देखो, वो देखो छोटा भैया, वो देखो ना कितना मेरे पीछे ये बेटा मंदिर के पास फोटो लो ना, मर बढ़िया है। हाँ वन विहार है, उधर लिखा भी था। हाँ
तैयार करेंगे। सो ये है वन बिहार का गेट जहाँ से हम एंट्री करते हैं, और उसके पहले ही आपको टिकट का काउंटर मिल जाएगा। टिकट काउंटर से आपको टिकट लेना पड़ता है, 15 या 20-25 का टिकट आता है, जो भी लेते हैं। 9 साल के ऊपर ही लगता है, छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता। उसके बाद हम एंट्री करते हैं। ये देखिए यहाँ गेट पर ही टिकट है, तो दी टिकट ले रही थी। वन बिहार में ही क्रिश 2 की शूटिंग हुई थी, जब प्रियंका चोपड़ा पैराग्लाइडिंग करके गिरती है, तो वो यही जगह है। सो वन बिहार के अंदर एंटर करने के पहले आपको टिकट लगेंगे, 10 या 5 रुपए लगते हैं, वो आपको पे करना पड़ेगा। छोटे से बच्चों का नहीं लगता, 9 साल के ऊपर के बच्चों का टिकट लगता है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हो। और वो सामने हड़प्पा मंदिर है, और तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। बहुत दूर दूर पे सब हैं और काफ़ी लोग भी आए हुए हैं। वन विहार डेंजरस में यहाँ पे, मतलब टाइगर वगैरह भी आते हैं ऐसा है, बट यहाँ के नीचे जाओगे, जितना नीचे जाओगे वहाँ पे आपको नदी मिल जाएगी। और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, बहुत सुकून सी फीलिंग आ रही थी सभी को, और बहुत मज़ा आ रहा था। तो आप जब भी आए तो वन बिहार ज़रूर विज़िट करें, हाँ बहुत ही अच्छी जगह है, शूटिंग पॉइंट भी है। जब भी आइए तो यहाँ पे जरूर आइए, बहुत एंजॉय करेंगे। सुकून मिल रहा है यहाँ पे, सो अब हम जा रहे हैं। ये देखिए एक बार और देख लीजिए वन बिहार को, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बाद हम बाहर जाएंगे, तो ये हम बाहर के साइड आप आएंगे तो आपको 2-3 शॉप मिल जाएगी, होम डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी सुंदर हैं सभी। और उसके बाद अब हम जाएंगे मनाली के क्लब हाउस, और आप लोग भी बने रहिएगा और देखिएगा। तो हम जैसे क्लब हाउस जाएंगे तो फिर से हमें नदी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे भी एंट्री चार्ज लगता है, टिकट लगता है, फिर आपको एंट्री होती है। यहाँ पे पर पर्सन 25 रुपीज़ लिया जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने, फिर उसके बाद में हम लोग अंदर जाएंगे। क्लब हाउस में आप एंट्री करेंगे तो आपको कुछ शॉप मिल जाएंगे देखने को। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था,
जाएंगे और इधर भी मिल जाएंगे, और बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ के लिए भी बने हुए हैं। ये तो बच्चों वाला है, क्लब हाउस के आप थोड़े से नीचे आएंगे तो आपको नदी मिलती है जो कि बाहर से भी दिखता रहता है, बट आप नीचे बाहर से नहीं जा सकते, आपको नीचे क्लब हाउस के अंदर से ही जाना पड़ेगा। तो अब हम लोग भी जा रहे थे, काफ़ी लोग आके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी देख रहे थे। हम लोगों की जगह काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था माहौल यहाँ का, तो आप भी देखिए और इन्जॉय करिए। बहुत ज्यादा, लेकिन चलना बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इतना ब्यूटीफुल प्लेस छोड़ के हम जा रहे, जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत शांति है इधर, ऐसा लगता है पूरा दिन यहीं पे बिता दो, पता भी नहीं चलेगा आपको। बट तो टाइम हो गया तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि और भी काम है और निकलना भी है, कल हमारा चेकआउट है इधर से मनाली से। सो अब हम जा रहे हैं क्लब हाउस के बाहर और जा रहे हैं यहाँ के माल रोड, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मास्क कंपलसरी है कोविड के वजह से, और जो मास्क नहीं लगाएंगे तो उनको 1000 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग होटल जाएंगे और फिर कल चेकआउट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। मेरा फ़ोन हो गया है डिस्चार्ज, आगे का ब्लॉग नहीं मिल पाएगा। अब मिलेंगे कल, तब तक ले बाय, ना ख्याल रखिए।
ये यहाँ का माल रोल एंड बच्ची को मास्क नहीं लगाएगा।